इंद्रेश हमारे साथ चलो, हमें जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या बोल रही हो? इंद्रेश तुम्हें सुनाई नहीं देगा यहाँ, हमारे साथ चलो। सुनाई देगा देगा, तुम बोलो। इंद्रेश वो देवेश है ना, और इनकी दीदी का फायदा उठाना चाहता है शादी से पहले, हमें उन्हें बचाना होगा। इंद्रेश क्या बोल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं शोर की वजह से सुनाई नहीं दे रहा इंद्रेश को। देवेश है ना देवेश? हाँ हाँ देवेश। और इनकी दीदी को वो, अरे छोड़ो ना उनके बारे में, वो ये सब मत बोलो, बस हमारे बारे में सोचो। इंद्रेश तुम समझ नहीं रहे हो, देवेश हम बोल रहे हैं ना, सिर्फ हमारे बारे में सोचो। उसके बारे में सोचोगी तो दुख पहुंचेगा तुम्हें, सिर्फ हमारे बारे में सोचो। देश तुम समझ नहीं रहे हो। रंग बरसे। अरे पुराना मानो होली है। अरे भाई ये जैसे इंद्रेश ने इनके एक इरादे पर पानी फेरा है, एक गंदे इरादे पे हम भी पानी फेरेंगे। हे माँ संतोषी, अब तक आपने हमारा साथ दिया है, आगे भी देती रहना माँ, ताकि हम ई देवेश का मकसद कामयाब ना होने दें।
जय मां संतोषी, जय मां संतोषी। अरे लीजिए ना, खाइए। स्वाति हमें छोड़ो, जाकर देवेश और उनके घर वालों की खातिरदारी करो, मेहमान है भाई। हाँ। माँ जी, रिंकी दीदी आप इसे बांटिए, हम आते हैं। माँ जी आप ठीक तो हैं? हमारा बहुत सर घूम रहा है। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, हमारे साथ अंदर चलिए, आराम कर लीजिए थोड़ी देर। हाँ पर सब, माँ जी थोड़ा आराम कर लीजिए, सब है यहाँ पर, देख लेंगे, चलिए आराम से। जी रही, ये लीजिए माँ जी नींबू पानी, इससे आपको अच्छा लगेगा, पी लीजिए। हंसी आ रही थी नाम पर, जब हम गिरे थे अब हम हंसेंगे, जब तुम गिरोगी स्वाति इस ऑयल पेंट पर, हमारे प्यार की तरह इसका रंग भी बहुत पक्का है, आसानी से छूटेगा नहीं। माँ जी आप आराम कीजिए, हम अभी आते हैं। भी गिराया हो हमें जल्दी से जाकर मिट्टी तेल से साफ करना होगा, वरना निकलेगा नहीं। स्वाति ऊपर क्या कर रही हो? नीचे आओ। पर काहे ऊपर काहे गई हो? कुछ नहीं, हम कपड़े बदल कर आते हैं इंद्रेश। अरे कोई फायदा नहीं है, फिर से रंग लगा देंगे, नीचे आ जाओ। नहीं कपड़े बदल कर ही आते हैं, बस आ रहे हैं। बाकी भौजी तो ऊपर हैं। देवेश जी तुम कहाँ चले गए? देवेश जी कहाँ हैं आप? देवेश जी कहाँ चले गए? काम करते हैं, उनको फोन करते हैं। ये फोन की आवाज तो ऊपर से आ रही है। हेलो
ये देवेश जी का फोन स्वाति बहू जी के रूम में क्या कर रहा है? आप यहाँ? आप हमारा फोन काहे नहीं उठा रहे थे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे स्वाति जी, आपने ही तो हमको बुलाया है ना? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा जो ये बकवास कर रहे हो? देवेश, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं हमारे सामने, समझे? हमें तो समझ नहीं आता और कितना गिरोगे तुम? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। और कितनी कोशिश करेंगे आप हमारी शादी रोकने की? और कितना नीचे गिराएंगे देवेश जी को आप? और एक बात बताइए, इन बंद कमरे में हमारे होने वाले पति के साथ आप कर क्या रही हैं? हमें नहीं पता ये कब आ गया ये। अरे स्वाति जी, आपने तो हमको बुलाया ना, कहा कि कुछ बात करनी है। हमने कब बुलाया तुम्हें? स्वाति भौजी, हमको ना सब समझ में आ रहा है। देवेश जी तुम्हें छोड़कर हमें पसंद करने लगे हैं, तो चुप रही है ना तुमको ये बात? हो ना हो, तुम्हारे मन में अभी भी देवेश जी को लेके कोई ना कोई फीलिंग जरूर है। हाँ, है हमारे मन में इसके लिए फीलिंग्स, और उस फीलिंग का नाम है नफरत। हद से ज्यादा नफरत करते हैं इस इंसान से हम। लगता तो नहीं है? एक बात बता दे, अब ना ये हमारे होने वाले पति हैं, तो इनको अपनी ओर खींचने की कोशिश ना ही करो, वरना हमको भी नहीं पता कि हम का करेंगे। चलिए देवेश जी। रिंकी दीदी को कहा होगे? क्यों नहीं देख पा रही हूँ सच को? जैसे लैला ने बाऊजी को अपने बस में कर लिया है, वैसे रिंकी दीदी भी देवेश की बातों में आने लगी। हे माँ संतोषी, कैसे सब कुछ सही करें हम? हमारी सहायता करो माँ। हम सदैव तुम्हारे साथ हैं स्वाति। हे माँ संतोषी, हमारे जीवन में आए इस तूफान को शांत करो माँ। वायु, कहीं इस मणि को अपने साथ ना ले जाए। अकस्मात इतना भयंकर तूफान कैसे आ गया? ये एक भक्त की पुकार है असुरानी पौलमी, जो तूफान बन के यहाँ तक पहुँच रही है। असुरानी पौलमी, क्या आपने कभी विचार किया है कि एक भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो अपने आराध्य को विजयी बना सके? ये चुनौती नहीं, अभी तो हमारा अटूट विश्वास है।
देवी पार्वती, किस सोच में डूबी हुई हैं आप? यही कि पुत्री संतोषी की चुनौती ने असुर रानी पौलमी को विचलित कर दिया। बहुत घबराई हुई है वो। हमने पहले ही कहा था कि ये मन की परीक्षा है। आत्मशक्ति का सर्वश्रेष्ठ वरदान है महाभारत की कथा में। महाभारत केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं था, अपितु जीवन दर्शन भी था। जीवन दर्शन? हाँ, जिस प्रकार महाभारत में 5 पांडव थे, उसी प्रकार जीवन में दृष्टि, सुगंध, स्वाद, स्पर्श और स्वर, ये 5 इंद्रियां होती हैं। महादेव, यदि पांडव मनुष्य की इंद्रियां हैं तो कौरव क्या हुए? कौरव वो सो दोष, सो हीन भावना है जो प्रत्येक दिन अलग अलग रूप में मनुष्य के मन पे प्रहार करती है, जिससे मनुष्य युद्ध कर सकता है किंतु करता नहीं। किंतु उन दोषों से कैसे युद्ध किया जा सकता है महादेव? यदि नारायण के अवतार भगवान कृष्ण सारथी हो तो युद्ध क्यों नहीं किया जा सकता? अर्थात जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे, उसी प्रकार जीवन की सारथी आत्मा होती है, जो उचित अनुचित का बोध कराती है, समय समय पर सचेत करती है कि सही क्या है। यदि आत्मा की आवाज को सुनकर निर्णय लिया जाए तो अर्जुन की भांति प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के युद्ध को जीत सकता है। महादेव, पांडव, कौरव, कृष्ण की भूमिका मनुष्य जीवन में समझ आ गई, किंतु कर्ण, उनकी जीवन दर्शन में क्या भूमिका है? कर्ण तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है देवी। देव, दानव और मनुष्य सबके जीवन में इच्छाएं ही कर्ण है और ये एक गुण है। परंतु जैसे महाभारत में कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था, इच्छाएं भी अवगुणों के साथ प्रकट होती है। महादेव, आपके संपूर्ण ज्ञान का अर्थ ये हुआ कि जैसे कृष्ण से महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई, उसी प्रकार मन की शक्ति से कोई भी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है। जैसे पुत्री संतोषी की भक्त स्वाति कौरव रूपी अनेक दानवों से लड़ रही है, परंतु उसने अपनी मन की शक्ति को दुर्बल नहीं होने दिया, क्योंकि उसने अपना सारथी पुत्री संतोषी को चुना है। भक्त और आराध्य दोनों का मन एक दूसरे के ऊपर विश्वास से जुड़ा हुआ है और वो दोनों कठिन से कठिन पड़ाव पार कर जाएंगे। अरे स्वाति, तुम ही यहाँ? हम तुमको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। अरे नीचे चलो, देखो देवर जी और ये जो नौटंकी मचाए हैं ना, हम कहाँ बताएं। चलो आज। भाभी भाभी, देवेश के इरादे सही नहीं है। इससे पहले कि उरिंकी दीदी के साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की सोचे, हमें कुछ करना होगा। अरे स्वाति, हम तुमसे होली की रंग बिरंगी बातें कर रहे हैं और तुम हो कि रिंकी दीदी का राग अलापी हुई हो। अरे देवेश जी के साथ रिंकी दीदी बहुत खुश हैं। तुम काहे इतना टेंशन ले रही हो? अब चलो नीचे हमारे साथ, चलो। अरे रिंकी जी, कह रहे हैं ना कि हमसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। सॉरी कह रहे हैं। अरे हमको लगा कि स्वाति जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हमको कमरे में बुलाई थी और हम चले गए। अब हमको क्या पता था कि वहाँ जिस घर में हमारा रिश्ता होने जा रहा है, वहाँ रिश्ते खट्टे होंगे, तो ये अच्छा रहेगा क्या? रिंकी, देवेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्वाति ने ही बुलाया था इन्हें, हमने अपने कानों से सुना था। अब इन्हें क्या खबर थी कि इन्हें बुलाकर वो क्या चाल चलेगी? आज के दिन नाराज नहीं होते, होली है ना। रिंकी जी, देखिए हम नहीं चाहते कि स्वाति जी की वजह से हम दोनों के रिश्ते में कोई दरार आए, और वादा करते हैं कि आज के बाद उनकी किसी चाल में नहीं फंसेंगे। अरे आप एक काम करिए, आप यहाँ आइए ना, ये लो, इसको पियो और गुस्सा थूक दो।
कुछ भी करके हमें रिंकी दीदी को बचाना होगा। अरे यार, हम तुमको इतनी बार समझाए, तुमको समझ ही नहीं आता है। सब छोड़ो तुम, अब हुआ देखो क्या हो रहा है।